यह एक प्रश्न देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के अंदर एक गोला है जो इसके भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो दोनों इन दोनों के बीच कितना स्थान होगा और उस स्थान का आयतन ज्ञात करना है। तो रिक्त स्थान का आयतन देखा जाए, रिक्त स्थान का आयतन घन के आयतन से गोले का आयतन घटा दिया जाए, घन का आयतन में से गोले का आयतन घटाना है, गोले का आयतन ये घटा देना है। तो जब गोले का आयतन घटाना है तो ये देखा जाए घन का कितना आयतन है। तो भुजा दिया हुआ है 4, तो घन का आयतन 4/3, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो जो गोले का व्यास होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा और गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। 4 × 16 = 64, 4/3 π का मान 22/7 और 2³ करेंगे तो ये 8 होगा। ये देखा जाए 64 में से 22 × 88 × 8/21 भाग दिया जाए तो ये मिलेगा 35.52। रिक्त स्थान का जो आयतन होगा 30.48 घन सेंटीमीटर होगा।